हेलो, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? ये तस्वीर उठा के उतार के मैंने जरा नीचे रख ली है ऊपर, क्योंकि नया मकान बना है। बरसात में ही पता चलता है कहाँ से पानी मर रहा है कहाँ से नहीं। तो थोड़ा पानी मरा है ऊपर से, क्योंकि 3 मंजिल पे प्लम्बर ने जाली लगाई तो खुदा हुआ छोड़ दिया, उस पर पानी मरा है। तो ये तस्वीर उतार के रखी है, देखिए पानी यहाँ से मरा है। ये देखिए निशाना दिख रहा होगा आपको ऊपर से जी साइड में ना, तो यहाँ से पानी मरा है। अब ये सही कराना है। मकान जब नया बनता है तो पहली बरसात में पता चलता है। मैडम कह रही है ढोल बज रहा है, ढोल बज रहा है, ढोल बज रहा है। देखिए मैडम, ढोल तो बजता है क्योंकि ढोल का काम बजने का है, लेकिन जब कुत्ते भौंकते हैं ना, कुत्तों के भौंकने से ढोल बजना बंद नहीं होता। कुत्तों की आवाज दब जाती है जब ढोल बजता है, इतना समझ लें। कुत्ते भौंकते हैं लेकिन ढोल बजता रहता है, और आवाज दूर दूर तक जाती है, इतना भी ध्यान रखना। कुत्तों के भौंकने से ढोल बजना बंद नहीं होता। और कह रही है मेरे हस्बैंड मेरे बच्चों के ऊपर छोड़ गए और कह रहे हैं गोरी का ध्यान रखना। तेरा हस्बैंड पहले भी तो तेरे बच्चों के ऊपर छोड़ गया था, तो तू जाके क्यों उमरा में खुले आसमान के नीचे रोई थी? क्यों इतना रोती थी? सोफे पे बैठ के रोती थी, खुले आसमान के नीचे रोती थी, बात बात पे रोती थी। तब भी तो तेरा काला बच्चों के ऊपर छोड़ के गया होगा, तब भी तो तेरे बच्चे थे, तब क्यों रोती थी तू? ये पता, जब भी तो तेरे बच्चे थे ना, जब जब नहीं थे बच्चों नहीं तो तुझे आईना दिखाया। जब तू जाके वो उसके साथ सेट हो गया, छल्लेदार के साथ और वो उसके साथ, तब तुझे लगा तो तू गई। ये तो एक बहाना था कि तारीख पे एक दूसरे को देखा, ये कुछ नहीं, तू गई और तूने काले को पकड़ लिया, समझे? तुझसे उन बच्चों की खुशी देखी नहीं गई। तूने कहा अरे अभी मैं कैसे रह सकती हूँ बिना हस्बैंड के, मैं भी हस्बैंड वाली बनूंगी, समझे? काला तुझे जब भी बच्चों के, काला जब गया था जब भी बच्चे थे, समझे? ये मेरा नंबर वायरल हुआ है तो मुझे उससे फायदा हुआ है, क्योंकि मेरे पास फोन आ रहे हैं। अरे झूठी, चल ठीक है, तेरा नंबर वायरल हुआ ये तो खुशी की बात है। किसने किया? हमने किया। हमारे पास एक वीडियो आई और उससे हमने तेरा नंबर वायरल किया। यूपी वाले हैं, दम रखते हैं हर काम करने में, दोस्ती निभाने में भी और नीचे गिराने में भी, समझे? और क्या कह रही है, फोन आ रहे हैं, व्यूज़ नहीं। फोन तो आ रहे हैं लेकिन तेरे व्यूज़ नहीं बढ़े। व्यूज़ क्यों नहीं बढ़ रहे तेरे? व्यूज़ भी तो बढ़ने चाहिए ना। व्यूज़ तेरे वहीं के वहीं है। फोन आ रहे हैं तो उस पर लोग बात कर रहे हैं लेकिन तुझसे तेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे। अरे झूठी औरत, तू कितना झूठ बोलेगी, तू कितना झूठ बोलेगी। बोलती रहे झूठ, बोलती रहे, और हम भी सुनते रहेंगे, हम भी तेरी बातों का जवाब देते रहेंगे, झूठी औरत, समझे? मेरा देखो, मेरा बच्चा काम करता रहता है हर वक्त, इसका तो हर वक्त लैपटॉप लेके बैठ जाता है। हाँ, तेरा बच्चा बताओ कौन सी बिजनेस करता है, लैपटॉप लेके जब बैठता है, लैपी लेके बैठता है, तो तेरा बेटा जो बिजनेस करता है ना, तेरा बेटा जो बिजनेस करता है वो करता है, कैसे बोलता है मेरे से तो बोलना भी नहीं आ रहा, वो करके लोगों की आईडी हैक करता है, लोगों के अकाउंट हैक करता है, समझे? लोगों पे मैसेज भेजता है कि अगर आपने ऐसी वैसी वीडियो डाली इस नाम से तो आपका चैनल बंद हो जाएगा। तेरा छोटा ये काम करता है बैठ के, उसे और कोई काम नहीं है, क्योंकि उसके एमबीए का रिजल्ट अभी तक नहीं आया, कोई काम नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं है तेरा बच्चा, कोई काम बिजनेस नहीं संभाल, वो यही करता है, लोगों की आईडी हैक, उससे पैसा लेना। तेरा टकला वो करता है, तेरा छोटा बेटा जो टकला है ना बिल्कुल, वो करता है। जो कह रही थी ना कि अगर बोलते वक्त तू कुछ तो सोचा कर, तूने क्या कहा? कह रहे जिनके छोटे छोटे बाल होते हैं, जिनके जो टकले होते हैं ना, तो छोटा भी तो उड़ जाता है ना, तेरा बेटा भी तो टकला है, छोटा भी उड़ जाता है, तो तेरे बेटे का उड़ा होगा शायद 2-4 बार,
बाइक पे स्कूटी पे, तभी तुझे क्या पता है ना, कह रही थी। और कह रही मैं हाजी अली दरगाह गई और मैं सूरत वाली फैमिली आएगी तो उसे लेके आऊँगी, तू कौन है जाने वाली, जब तक वो बुलाते नहीं है ना। मैं भी 3-4 बार महाराष्ट्र होके आई हूँ, बम्बई होके आई हूँ, लेकिन गई 2 ही बार। मेरा तो पूरा पर्स गिर गया था हाजी अली पर, और उसमें सबसे बड़ी बात यह थी कि मेरी लौटने की टिकटें थी, पैसों की छोड़ो, लेकिन मुझे वहीं पड़ा हुआ मिल गया नीचे, जो अंडरग्राउंड मार्केट लगती है उस मार्केट में नीचे तख्त के नीचे पड़ा हुआ मिल गया। तो तू कौन होती है जाने वाली, इतना घमंड मत कर, वो जब बुलाते हैं किसी को जब ही बंदा जाता है, नहीं तो आगे के रोड पे से निकल के चला जाता है, समझे। जी हाँ, बड़ी बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, मैं आऊँगी तो मैं लाऊँगी, मैं के गर्दन पे छुरी रखी गई है, इतना नहीं पता तुझे, समझे। और तेरी औकात, और ये समझ में नहीं आता इसका चेहरा कितना अजीब सा होता चला जा रहा है, कितना अजीब से, जितने ज़्यादा ट्रीटमेंट कराने पर उतर आई है ये फेस के, उतना ज़्यादा चेहरे पे कुत्ते मुड़ने लगे, बहुत ही अजीब सा कुत्ता हो रहा है चेहरा, गंदा सा एक, मतलब जब कैमरे के सामने होती है तो सही लगती है, और ऑफ कैमरा अगर इधर उधर होती है तो कितना अजीब सा चेहरा लगता है, इधर उधर होती है जैसे, और कैमरा सामने नहीं होता, कैसे मतलब समझ में नहीं आता, कितना अजीब सा हो रहा है। कुदरत की मार पड़ती है ना तो चेहरा बोलता है जी। तू सोचती है कि ऊपर वाला मुझे ये दे रहा, ऊपर वाला मुझे वो दे रहा, कर्मा तेरा आएगा आगे, बेफिक्र रहे, कर्मा तेरी कितनी अच्छी तरह धोई उतारी है रेहाना बॉस ने और शरीर ने, और उतारेंगी फिर, समझे, कितनी अच्छी तरह उतारी है रेहाना बॉस ने तेरी, उन जैसे उनके तो तू बराबर भी नहीं हो सकती, पासंग भी नहीं हो सकती, उनका रहन सहन, उनकी क्या कहते हैं लिविंग स्टाइल, उनका वो क्या कहते हैं वेयर स्टाइल देख, तू तो उनके पैर की कितनी अच्छे अच्छे वेयर करती है। कह रही बच्चे ऐसे होने चाहिए जैसे मेरे, हाँ ऐसे ही होने चाहिए बच्चे जैसे तेरे हैं, नल्ले नल्ले, हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, हमें ऐसे बच्चे नहीं चाहिए, हमारे जैसे हैं ठीक है, तेरे हैं नल्ले, लोगों की आईडी हैक करता है, 400 VC का काम नहीं करते, समझे। और अब कह रही कि मैं मैक्सी पहन के जा रही हूँ तो अब लोग कहने लगेंगे कि हम तो पहले से ही पहनते थे। जी हाँ, हम पहले से ही पहनते थे, आज से नहीं, बिफोर 10 ईयर्स, बिफोर 15 ईयर्स, क्योंकि हम वॉक करते हैं तो मैक्सी पहनकर ही करते हैं शाम को, समझे। अब वॉक करने समझ लो कितनी कितनी दूर निकल जाते हैं, तो मैक्सी पहनकर ही निकल जाते हैं, कोई नई बात नहीं है, तुझे लगता है कि तूने अभी पहनी है, सुन लिया तूने, तू कह रही थी ना कि अब लोग कहेंगे, हाँ कह रहे हैं, तो सुन अच्छी तरह, समझ गई। और कह रही है कि अरे मैं जो हूँ, मैं जो यूट्यूब चैनल चलाती हूँ, और लोग तो बेचारे ऐसे ही समाज सेवा के लिए चलाते हैं, और मैं पैसा कमाने के लिए चलाती हूँ, सब पैसा कमाने के लिए चलाते हैं, समझे काली मैना, लेकिन इतना गिरते नहीं है पैसा कमाने के लिए जितना तू गिर जाती है सोशल मीडिया पर, जितना तू गिरी है इतना कोई गिरता नहीं है पैसा कमाने के लिए, सब पैसा कमाने के लिए चैनल पर आए हैं, लेकिन इतनी घटिया तरीके से नहीं, जितने घटिया तरीके से तू कमाती है, समझ गई, आ गई समझ में। हाँ, और देख तूने कहा ना कि वो मैं खुलेआम किसी को कहती नहीं हूँ, लेकिन मैं आज कह रही हूँ, तो सुनो ढोल बज रहा है ऐसे करके तुझे, तो मैं तुझे चैलेंज देती हूँ, मैं नीता त्यागी तुझे चैलेंज करती हूँ कि तू खुलेआम कह, और देख मैं तेरी कैसी उतारूंगी, खुलेआम मैं तुझे चैलेंज करती हूँ, तू कहती है किसी को या नहीं कहती, कहती ना जब मैं कहने पे आती हूँ, कह रही है ना कि जब मैं कहने पे आती हूँ तो फिर मैं बहुत अच्छी तरह कहती हूँ, तो मैं कह रही हूँ तू कहने पे आ, और देख मैं तुझे कैसी जवाब दूंगी, समझे। अरे चल तू क्या कहेगी, तुझे लोग अच्छी तरह जानते हैं, तेरा चेहरा उतर गया था तब से रिक्शा वाले ने तुझसे कहा कि मैं मलाड के रहने वाला हूँ, मैं वहीं जाता हूँ, दूध देने जाता था,
तेरा चेहरा उतर गया क्योंकि तेरी असलियत, इसने सोचा कहीं कोई असलियत ना उतार दे मेरी, समझे। नाश्ता कर लिया तुमने नाश्ता, और बताओ इसने क्या नाम है, रहीमा नाम की कोई है, उसकी आईडी हैक की है और उसकी आईडी हैक करके इसने उससे पैसे मांगे हैं, है। अगर कोई अपनी टाइम काट रहा है, कोई अपना काम कर रहा है और कोई परेशान है, ये उसे और परेशान करती है। उसकी आईडी हैक करी, उससे पैसे मांगे, उसकी हेल्प करिए आप लोग, मैं कह रही हूँ। और ये बादरा गई थी ना शॉपिंग करने, फ्री की शॉपिंग की है इसने, इसने वहाँ 30,000 की शॉपिंग की है और बिल्कुल फ्री की है, समझे। तो दिखाती है अपने आप को, समझे। 30,000 की शॉपिंग की और दिखाया कि मैं शॉपिंग करने जा रही हूँ फ्री में, तो बादरा जाएगी इतनी दूर शॉपिंग करने जाएगी, कभी भी नहीं जाएगी, तू तो इधर उधर ही पास में कर लेगी, क्यों जाएगी तू, क्योंकि तुमने फ्री की 30,000 की शॉपिंग की है। देखो रेहाना बॉस की, उसने उन्होंने खोली है तेरी असलियत, तो बोल उन्हें, देख तेरी कैसी उतारेंगी वो अच्छी तरह, समझ गई। और ना गोल्डन ग्रुप का कोई नहीं गया है छठी शरीफ में, तो ये मैडम पहुँच गई है। जब गोल्डन ग्रुप के लोग जाएंगे तो ये नहीं जाएंगे, क्योंकि इनकी फटती है उन लोगों से, है ना। चलो ठीक है, काफ़ी उतार दी, काफ़ी कह दिया, कल तो मैंने संडे था, नहीं बोली मैं, छोड़ो, छोड़ देना चाहिए कभी कभी, है ना, क्योंकि हमेशा एक सा रहो ना तो इंसान पे भी असर पड़ता है। और मैं सोच रही हूँ कि हफ्ते में 7 दिन होते हैं, 5 दिन बोला करूँगी इसके लिए, 2 दिन बनाया करूँगी मैं इब्राहिम फैमिली के लिए, या 3 दिन इसके लिए, 3 दिन इब्राहिम फैमिली के लिए, ऐसे किया। चलो ठीक है, फिर मिलती हूँ मैं आपको एक अच्छी सुबह के साथ, अच्छी एनर्जी के साथ। कल इतना पानी पड़ा है, इतना पानी पड़ा है, बहुत अच्छा हो गया मौसम, बहुत ही अच्छा लग रहा है। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।